गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केटिंग में, वो टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज को लेकर। फिलोसफीज होती है एक साइकोलॉजी, हर एक एंटरप्रेन्योर की अपनी साइकोलॉजी होती है। डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी से एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी को प्रॉफिट पहुंचा पाते हैं। कोई पर्सन सोचता है कि हम ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। कोई व्यक्ति सोचता है मैं ज्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखूंगा तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, समझते हैं। कोई सोचता है कि मैं अगर सोशल वेलफेयर के लिए अच्छा काम करूं तो मेरे को मोटिव मिलेगा। कोई पर्सन सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट को कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाऊं तो वो बार बार मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, मुझे उससे बेनिफिट मिलेगा। देखिए, अलग अलग फिलोसफी हर एक एंटरप्रेन्योर की हो सकती है, लेकिन एक मेन टारगेट की बात होती है कि मेनली प्रोड्यूसर किस पे मेन टारगेट कर रहा है। फोकस वो सभी पे करता है, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देता है वो प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देता। प्रोडक्शन पे ध्यान देता है लेकिन क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे दिया, ठीक है। जो कस्टमर पे ज्यादा ध्यान देता है वो ऐसा नहीं है कि वो सेल नहीं करना चाहता, वो सेल भी करना चाहता है, लेकिन मेन फोकस किस पे हो गया, मार्केटिंग पे हो गया, मीन्स कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे हो गया। तो इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे फिलोसफीज के बारे में कि क्या एंटरप्रेन्योर किस तरीके से सोचता है, कौन सा उसके लिए बेटर है, कौन सा उसके लिए बेटर है, उन टॉपिक्स के बारे में। हमारे पास तो कुछ पांच मार्केटिंग फिलोसफीज है, देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग फिलोसफी, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट फिलोसफी, प्रोडक्ट फिलोसफीज जिस एंटरप्रेन्योर की होती है वो मेन फोकस करता है अपना क्वालिटी के ऊपर। उसका हमेशा ये ध्यान रहता है कि मुझे अपनी क्वालिटी के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहती है तो हमेशा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, कभी मेरे प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं होगा, मुझे हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें तो लाइक जो एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है तो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट हमेशा क्वालिटी वाइज बेस्ट होते हैं, वो कभी अपनी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। वो सोचती है प्रोडक्शन कम हो जाए चल जाएगा, एक आध कस्टमर रह जाए चल जाएगा, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी नेवर बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो उसको मेन फोकस किस पे होता है, क्वालिटी पे। अगर उसकी क्वालिटी अचीवेबल हो गई इट्स मीन वो कहता है मैंने अपने टारगेट अचीव कर लिया। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन फिलोसफी, जो प्रोडक्शन फिलोसफी को ध्यान में रखता है उसका मेन जो फोकस होता है वो क्वांटिटी पे होता है। मेन फोकस क्वांटिटी, मतलब वो इस चीज को मेक श्योर करता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करनी है। उसका मेन टारगेट किस पे होता है, क्वांटिटी पे। अगर ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी, लेस कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। और मैं इजीली जो है पूरे इंडिया में उस गुड्स को या इंडिया के बाहर भी इजीली उसको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, ये भी उसका एक मेन टारगेट हो जाता है। इस टाइप का एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है लाइक मैगी, ठीक है, लाइक कुरकुरे, सभी ने सुना होगा इस चीज के बारे में। इस टाइप का जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होती है उसका मेन टारगेट हमेशा क्वांटिटी पे होता है ताकि प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाए और हम मैक्सिमम जो है लेस कॉस्ट के साथ में ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करके ज्यादा फायदा पहुंचा सकते। नेक्स्ट वन हमारे पास है सेलिंग फिलोसफी, जो सेलिंग फिलोसफीज को अपनाता है उसका मेन टारगेट सेल करने पे होता है, सेल को मैक्सिमाइज करना है। उसको हमेशा ये सोच में रहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेल हुई तो मेरा ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट होगा, मेरा ज्यादा से ज्यादा अगले साल फिर प्रोडक्शन होगा, मैं फिर ज्यादा से ज्यादा कमाऊंगा। उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, वो हमेशा मेन किस चीज पे टारगेट करता है, मैक्सिमम सेल करने पे टारगेट करता है। जैसे आपके पास में अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ जो आपके होकर्स होते हैं ना, होकर सेलर्स जो आपके गली गली घूम करके कोई सामान बेचते हैं, वो कभी इस चीज से नहीं देखते कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। मेन फोकस क्या होता है, जो मैं प्रोडक्ट लिया हूँ उसको मैं बस बेच दूँ, मैक्सिमम सेल मैक्सिमम प्रॉफिट, भले कस्टमर सेटिस्फाई हो, क्वालिटी बेकार हो, कुछ हो, बस सेल ज्यादा करो। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग फिलोसफी, मार्केटिंग फिलोसफी को अपनाने वाले का मेन फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। उसे ये होता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा हूँ उससे मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, मुझे अपने कस्टमर को क्या करना है,
मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाना है। मेन उसका फोकस क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए, जैसे कि किसी कंपनी ने कोई बाइक बना दी और बाइक ऐसी बना दी कि वो पेट्रोल कम खर्च कर रही, तो इन दैट केस उसका जो इंडिविजुअल कस्टमर जो उसके प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो वापस सेटिस्फाई हो गया, पेट्रोल कम खर्च करेगी, इन दैट केस पेट्रोल कम से कम डलवाना पड़ेगा, तो पॉकेट के ऊपर जो है मेरा अच्छा जो है एक इससे इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं इससे बहुत खुश हो गया, मेरा कस्टमर क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। उसका मेन टारगेट किस पे होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर होता है। जैसे अगर इसमें हम एग्जांपल लें, अगर हीरो मोटोकॉम का, तो उसको मेनली इस चीज़ पे होता है कि भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, ताकि बार बार कस्टमर आके मेरे प्रोडक्ट को परचेज करें। इसके हीरो के जो भी प्रोडक्ट, हीरो की सीडी डीलक्स आपके पास होगी, एचएफ डीलक्स या समथिंग, इसके कोई भी प्रोडक्ट है, हमेशा कस्टमर सेटिस्फाई करने में लगे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियल, सोशियल फिलोसफीज को जो अपनाता है उसका मेन टारगेट होता है सोशल वेलफेयर। वो कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखता कि ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करनी है, क्वालिटी वाइज प्रोड्यूस करनी है, उसका ये मेन फोकस होता है कि समाज का जो है वो भला होना चाहिए। और मेनली समाज का भला कब तक होना, सोशल वेलफेयर के बारे में मेनली कौन सोचता है, मेनली पब्लिक या फिर जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो मेनली सोचती है किसके बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में। उनका मेन टारगेट कौन होता है, उनका मेन टारगेट होता है समाज। जैसे आप एक ऐसी बाइक बनाएं कि उससे पोल्यूशन कम हो जाए, इन दैट केस आप इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में नहीं सोच रहे, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के बारे में सोच रहे हैं, मीन्स पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं। तो ये फिलोसफी सोशियल फिलोसफीज के अंदर है। क्लियर है स्टूडेंट? किसी का कोई इशू? ये पांचों फिलोसफीज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इस चीज को चेक करें, एडमार्क। ठीक है, टेक केयर।